सोलन की सब्जी मंडी जिसे हाल ही में इनाम का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला और भी कई राज्य स्तरीय पुरस्कार इस सब्जी मंडी को मिल चुके हैं, लेकिन यहाँ कुछ कर्मचारी सब्जी मंडी को दागदार करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस सब्जी मंडी में किसानों और यहाँ आए हुए खरीदारों से विकास के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है। हद तो तब हो गई जब इस वसूली की कोई भी रसीद तक नहीं दी जा रही है। आपको बता दें कि सब्जी मंडी से जो भी व्यक्ति वाहन से सब्जी या फल लेकर बाहर निकलता है तो उससे गेट पर अवैध वसूली की जाती है। हमारी टीम ने अवैध वसूली करते हुए गेट पर तैनात कर्मचारियों को रंगे हाथों पकड़ा, जिस पर वहां मौजूद किसानों और खरीदारों ने भी रोष प्रकट करते हुए कहा कि एक तरफ जहां देश के प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार हटाने की बात करते हैं, लेकिन सोलन की सब्जी मंडी में जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है। जो भी कोई गाड़िया आलू प्याज कोई भी सब्जियां लेके जो आते हैं, मतलब वापसी ले जाते हैं, उनसे गेट पास के बदले उन्हें सिर्फ मोर लगाई जाती है और उसके बदले पिकअप का 30 रुपए, छोटी गाड़ियों के 20 और बड़ी गाड़ी का 200 रुपए लिया है, जिसकी कोई भी हमें रसीद नहीं दी जाती है। तो आपने कभी इसकी शिकायत की है? हमें बोला है कि पीछे से ही हमारे को ऐसे ही ऑर्डर है और हम पर्ची शुरू से 3-4 साल ऐसे ही चला है और ऐसा ही चलता आ रहा है ये। हाँ, ये बहुत गलत है। ज्यादातर लोग जिम्मेदारी यहाँ से अपना, जैसे मानो मैं जिम्मेदार हूँ, जिम्मेदारों का ही माल लेके आता हूँ, कई बार जिम्मेदार का आलू प्याज लेके जाते हैं तो हमारे से भी पैसे वसूले जाते हैं। गेट पास करवाए यहाँ पे, इसकी रसीद नहीं मिली मुझे और इसमें लिखा भी नहीं गया है इसमें, ना इसमें कोई एंटर है। तो आप क्या रोज आते हैं? जी, आते रहते हैं। तो ऐसे ही पैसे काटे जाते हैं? जी। तो कितने पैसे दिए, कितने की पर्ची कटी है? पर्ची इसमें एंटर नहीं है सर, लिखा ही नहीं हुआ। गेट पास के लिए 20 रुपए लेके, उसकी रसीद नहीं मिली मुझे। सब्जी मंडी के अंदर भ्रष्टाचार है और हिंदुस्तान की कोई ऐसी मंडी नहीं है जहाँ जो है अपने सब्जी लेके जो गाड़ी अपने बाहर निकलती है अपने, उसकी 50 और 100 रुपए की पर्ची लगती है। भ्रष्टाचार है, उसकी कोई पर्ची नहीं है। बड़ी गाड़ी की 200 की है। एक जिमीदार अपने स्कूटर के ऊपर आलू की बोरी लेके जाता है, उससे भी 10 रुपए लेते हैं। शिकायत हमने कई बार बोला, हमने अपने सब्जी मंडी के प्रधान को ही बोला, इसने बोला जी हम मंडी इसको पर्ची को बंद कराएंगे। वहीं जब अवैध वसूली कर रहे कर्मचारी से इस बारे में पूछा गया तो वह हक्का बक्का रह गया। जब उसे इस बात का एहसास हुआ कि उसका भंडाफोड़ हो चुका है तो वह पुरानी रसीदें दिखाने लगा, लेकिन आज की तिथि की कोई भी रसीद वह नहीं दिखा पाया। जब इस बारे में एपीएमसी के सचिव प्रकाश से पूछा गया तो उनका कहना है कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है और वह जल्द ही इस मामले की जांच करेंगे। आपको बता दें कि सोलन सब्जी मंडी में रोज करीबन 200 के करीब गाड़ियां आती जाती हैं जिनसे ये अवैध वसूली की जाती है। अगर अनुमान लगाया जाए तो रोज हजारों रुपए की चपत किसानों को लग रही थी और नाम सरकार का खराब हो रहा है और यही अवैध वसूली है जिसकी वजह से बाजारों में बिक रही सब्जियां फल मंडी से कई गुना दामों पर बिकती हैं। आपने अभी क्या किया, क्या करवाया यहाँ पे? यहाँ पे मैंने अभी गेट पास करवाया। तो आपको क्या रिसीव दी इसकी? कितने पैसे दिए आपने? पहले रिसीव मिली इसकी? नहीं दिया सर। है? जो मैंने दिया था वही दिया। रसीद मिली? गेट पास के बीच में दिया रहा। 11 HB 14 जी 18 सीरियल नंबर है। तो जैसे जल्दी वाला नहीं होता ना सर, और एक ही पर्ची काटी उसमें सर, ए 50 वाले कहाँ है? 14A 18 29 उसकी डुप्लीकेट बताइए आप। डबल जैसे डबल निकालिए 16 स्लिप लाई है जो जेब कैश होता है उसकी, ये भी इसी के काटे हुए ना।